किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको फार्म ट्रैक 6050 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर दिखा रहा हूं। भाइयों पहले आप ट्रैक्टर देख लीजिए, फिर हम आपको इस ट्रैक्टर के ऑनर से बात कराएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको जिस भी ट्रैक्टर की वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी ट्रैक्टर है तो आप अपने ट्रैक्टर की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो भाइयों देख सकते हैं ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है और किसान भाई ने इस ट्रैक्टर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो आइए अब किसान भाई से बात करते हैं और आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। भाइयों आज की वीडियो में मैं आपको फार्म ट्रैक 6050 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ और ये बुलेट है, ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है, इसके बारे में ये अंकल जी बताएंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तरसेम सिंह जी। कहाँ रहते हैं आप? मंडनपुर शिमाली। अच्छा जी, बरेली। तो आप इस ट्रैक्टर के बारे में बताइए, आप ट्रैक्टर कब से चला रहे हैं? जो 17 से चला रहे हैं। अच्छा जी, तो कितने HP का ट्रैक्टर है ये बताइए इसके बारे में। 5500। अच्छा जी, तो आपने ये ट्रैक्टर क्यों चुना? जैसे 50 HP में बहुत से ट्रैक्टर आ रहे हैं, कोटा भी है और न्यू हॉलैंड भी है, जॉन डियर भी है, तो आपने ये क्यों चुना? इसमें डीजल खपत और इसका रख रखाव कम है। अच्छा जी, कितना डीजल लेता है लगभग घंटे पे? ये लेता है 4.5-5 लीटर। अच्छा, तो बाकी लोड के हिसाब से है। अच्छा जी, तो फोर व्हील ड्राइव का फायदा बताइए सर। ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो मतलब कितने HP के बराबर काम करता है ये बताइए? फोर व्हील से नॉर्मल ट्रैक्टर से ज़्यादा डीजल खाता है। अच्छा जी, और जुताई में? अच्छा जी, कौन सी हैरो चलाते हैं आप इस पर? चलाते हैं 12-12 की। अच्छा, 12-12 हम चलाते हैं। और लगभग एक घंटे में कितनी जुताई करता है ये बताइए मुझे? 4-4.5 एकड़ लगभग। अच्छा जी, और ट्रैक्टर का काफ़ी जो बम्पर वगैरह काफ़ी हैवी लगाया आपने, ये मतलब कैसे क्यों लगाया है ये बताएं मुझे? ये 6 से ही हैवी है। अच्छा, 100 का है आपकी, तो आपने इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाया था? 3600 फोर्ड था। 36, तो ट्रैक्टर की कोई खास बात बताएं मुझे आप? नहीं, यही है, रख रखाव अच्छा। अच्छा, मेंटेनेंस बहुत कम है। कम है। अच्छा जी, और अपने खाली में भी ये दूसरे ट्रैक्टरों से अच्छी खाई था। अच्छा जी, अपने क्षेत्र में एक ही ट्रैक्टर है खाली, आपके पास ही है, मुझे पता चला मैं आपके पास आया। और ये बम्पर वहाँ तक इतना लंबा है, मतलब कैसे, इतना खर्चा, कितना खर्चा आएगा लगभग इसमें बम्पर के बारे में बताएं मुझे? 55-60 हज़ार रुपया लगता है कम्प्लीट हो समेत। अच्छा जी, तो आप अपना ही काम करते हैं ट्रैक्टर से? मान लीजिए काम। अच्छा जी, ट्रैक्टर पहले दिखाइए घूम के ज़रा, जो आगे वाले टायर इसके कितने के हैं? 9-5-24 के भाई उसके आगे वाले टायर हैं। और अभी, अच्छा अभी इन्होंने फोर व्हील ड्राइव की ट्रैक्टर की रॉड खोल दी है और ट्रैक्टर कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। और ये 50 HP का ट्रैक्टर है और इसमें आपको 3514 cc का इंजन मिलेगा भाइयों। और इसमें आपको एक क्लीनर फोर स्टेज ऑयल बार वाला इन्होंने अलग से लगाया है। और ट्रैक्टर की कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त है, 2017 मॉडल है। और इसके इन्होंने डिफर भी थोड़ा चेंज कर रखे हैं, डिफर LED वाले लगाए हैं। उसकी सीट बहुत ज़बरदस्त है। सीट के बारे में बताइए अंकल जी, सीट कैसी है इसकी? सीट आरामदायक है, एडजस्टेबल है। अच्छा, ये सीट मैंने पहली बार देखी ट्रैक्टर में, ये ऐसा मतलब सीट में क्या है इसमें? एडजस्टेबल है ये, ऊपर नीचे लोड के हिसाब से। अच्छा जी, इसका फायदा क्या है? ये हीट शील्ड लगी हुई, इसका फायदा बताइए मुझे। पीछे का ये लगी हुई हीट शील्ड इसका? नहीं, इसका ये लगा हुआ है शीशा, ये यही है, हवा वगैरह जैसे जाते हैं ट्रॉली वगैरह पे, इंजन की गर्म हवा रोकता है। गर्म हवा रोकता है। अच्छा, और मुझे ये बताइए इसमें साइड गियर मिलते हैं, साइड गियर फंसते तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे कोई शिकायत हुआ तो नहीं है ट्रैक्टर में आज तक? अच्छा जी, और ये आपने लगाया है क्या बोलते हैं, सपोर्ट लगाई है? सपोर्ट के लिए है। अच्छा, बहुत ट्रॉली वगैरह ओवरलोड चलानी हो। अच्छा जी, और बताइए ट्रैक्टर के बारे में कुछ खास जानकारी हो आप, कोई किसान भाई अगर इस ट्रैक्टर को लेना चाहे तो? दूसरे ट्रैक्टरों की कंपैरिजन खर्च कम है। अच्छा, रख रखाव में भी इसका मेंटेनेंस खर्च है नहीं, जब तक भी है इंजन की लाइफ अच्छी है। अच्छा जी, और लगभग ट्रॉली से आपने कितना कितना लोड आप इससे? 300 क्विंटल तक। अच्छा जी, 300 से 300। और टायर वगैरह कम घिसते, फोर व्हील ड्राइव मॉडल है तो चारों टायर मतलब काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। जुताई में आधा खर्चा, जुताई में बेस्ट है जुताई के लिए। और इधर आइए इसके बारे में बताइए, पिछला हिस्सा से कैसा, कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आती है? नहीं, जैसे बहुत से ट्रैक्टरों में मैंने वीडियो बनाई, लोग शिकायत करते हैं कि पिछला हिस्सा आवाज़ कर रहा है। नहीं, हम तो 8 फीट वाला चलाते हैं रोटावेटर। अच्छा, 8 फीट का रोटावेटर है भाई, अभी रोटावेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है?
1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी, और इसकी सीट भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये लीवर कौन सा है इसका बताइए? क्लच है। अच्छा, डबल क्लच है, अलग से दिया हुआ है भाई। 50 HP का ट्रैक्टर, इसमें काफ़ी अलग फंक्शन दिए हुए हैं, और इसका PTU क्लच आपको अलग से मिलेगा। लगभग आप ट्रैक्टर कितने RPM पर चलाते हैं खेत में? 1500-1800 के लगभग। अच्छा, 1500 से ऊपर, 1800-2000। कितना माइलेज देता है लगभग घंटे पे? नहीं, माइलेज तो नहीं, हम तो खेती का काम लेते हैं। नहीं, कितना मतलब एवरेज देता है वैसे घंटे पे? आपने कभी औसत लगाया है डीजल का? नहीं नहीं, घंटे पे नहीं, वैसे 4.5-5 लीटर ही खाते हैं। अच्छा जी, 5.5 लीटर। अच्छा, और ये बुलेट के बारे में बताइए, कितने मॉडल है? 67 मॉडल है। 67? कंडीशन तो इसकी बहुत साफ लग रही है, ऐसा क्यों? बच्चों का शौक है, साफ सुथरी रखते हैं। अच्छा जी, और पंजाब से कराई? अच्छा, पंजाब से। और आपका क्या काम है, कौन सा काम करते हैं आप एक्स्ट्रा काम? कंबाइन हार्वेस्टर की दुकान है। अच्छा, नई कंबाइन भी मिलती है आपके पास? कंबाइन दशमेश मलेरकोटला जो है उसकी डीलरशिप है। अच्छा जी, कंबाइन रीपर रोटावेटर? रोटावेटर कोई सा ही मिल जाएगा? नहीं, उसका दशमेश का। दशमेश का मिलेगा। रीपर कौन सा मिलता है आपके पास? दशमेश का। दशमेश का छूट वगैरह आती है? आती है। अच्छा जी, और आप, मैंने सुना है मॉडिफिकेशन का सामान लाने वाले हैं ट्रैक्टर का, जैसे लाइटें हुई, छतरी है, बाकी म्यूजिक सिस्टम है। अच्छा जी, और एम्प्लीमेंट में साथ में। अच्छा जी, तो आप अपनी दुकान का एड्रेस बताएंगे एक बार? प्रीत कमैन के नाम से है, लोधीपुर चौराहा बेड़ी। अच्छा, बाईपास पे। तो जो मेरे भाई बहुत कमेंट करते हैं कि भाइयों अपने यहाँ बहेड़ी के आसपास मॉडिफाई का सामान नहीं मिलता है, पंजाब वगैरह से लाना पड़ता है, तो हमारे अंकल जी यहीं पे उपलब्ध कराएंगे? ये आने वाले टाइम में यही मन्नापुर पड़ता है, मन्नापुर शिमाली नैनता रोड पे, बरेली से यहीं पे सब मिल जाएगा। अच्छा जी, तो और भाइयों किसी को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, और आपको सबसे सस्ता मिलेगा, सबसे डिस्काउंट भी मिलेगा, और सबसे अच्छा माल मिलेगा, ओरिजिनल माल मिलेगा। सभी प्रकार की छतरी मिलेंगी आपको, टॉप मॉडल से लेकर बेस मॉडल भी मिलेगी, और सभी म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, और लाइटिंग वगैरह जितना भी सामान है मॉडिफिकेशन का सभी मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।